विद्यार्थियों, आप सभी का देवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। कल के व्याख्यान में हम सभी ने समाज की परिभाषा, समाज के तीन भेद के बारे में अध्ययन किए। आज हम सभी समाज के शेष जो भेद बचे हुए हैं उसका अध्ययन करेंगे, जिसमें से द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुवचनी समास। कल हम सभी अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और द्विगु समास का अध्ययन किए हुए। द्वंद्व समास की परिभाषा, जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हों, जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हों तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच में जो पूर्व पद और उत्तर पद हैं, उन दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह या ध्यान है, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे यहां समस्त पद है, समस्त पद है और विग्रह है। समस्त पद में राजा प्रजा, तो राजा पूर्व पद है, प्रजा उत्तर पद है और जब इसका विग्रह किया गया है तो जो योजक चिन्ह है वो लुप्त हो जाता है या उसे हटा दिया जाता है, उसके स्थान पर राजा और प्रजा, या राजा प्रजा का विग्रह किया गया तो राजा और प्रजा। पुनः ध्यान दें, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण के बीच में योजक चिन्ह है, तो राधा कृष्ण एक समस्त पद है और जब इसका विग्रह किया गया तो वह समस्त पद के बीच में से जो योजक चिन्ह है उसे हटा दिया गया, उसके स्थान पर राधा और कृष्ण यह समास विग्रह हुआ, राधा कृष्ण का समास विग्रह हुआ राधा और कृष्ण। इसके आगे ठंडा गरम, तो ठंडा गरम यह समस्त पद है और इसका विग्रह किया गया है ठंडा और गरम। पाप पुण्य, पाप पुण्य का विग्रह है पाप और पुण्य, बीच में से जो योजक चिन्ह है वह समस्त पद में हटा दिया गया है जब उसका विग्रह किया गया है तब, और जब समस्त पद बनाएंगे तो उसमें योजक चिन्ह रहेगा। यही इसकी पहचान है कि दोनों पदों के बीच में जो पूर्व पद है और उत्तर पद है, उन दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह है तो वो द्वंद्व समास कहलाता है। इसके बाद कर्मधारय समास, समास का जो पांचवा भेद है वो कर्मधारय समास है। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो, जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष का संबंध हो, उसे वह कर्मधारय समास कहलाता है। अर्थात जहां पर पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे चंद्रमुख, चंद्रमुख समस्त पद है, चंद्र पूर्व पद है और मुख उत्तर पद है और उसका विग्रह है चंद्र के समान मुख, तो चंद्र के समान यानी मुख जो है कैसा है, चंद्र के समान है, तो मुख की विशेषता क्या है, चंद्र, तो चंद्र जो है मुख का विशेष, मुख के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। नीलकंठ, नीलकंठ, नीलकंठ समस्त पद है, इसमें नील पूर्व पद है, कंठ उत्तर पद है और इसका विग्रह है नीला है जो कंठ, तो यहां नीला जो पूर्व पद है यह उत्तर पद की विशेषता बताता है, यह विशेषण है, नीला शब्द जो है वो विशेषण है किसका, उत्तर पद कंठ का। इस तरह से समास के अंतिम भेद में
जो है वो बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास के अंतर्गत जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है, जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है और पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं या इशारा करते हैं, उसमें बहुव्रीहि समास होता है। अर्थात बहुव्रीहि समास में न पूर्व पद प्रधान होता है न उत्तर पद प्रधान होता है, दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं, उसमें बहुव्रीहि समास होता है। जैसे यह उदाहरण दिया गया है, लंबोदर समस्त पद है, लंबोदर समस्त पद है, इसका विग्रह है लंबा है उत्तर जिसका, लंबा है उत्तर जिसका अर्थात गणेश। ये पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर के तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं या संकेत करते हैं, इसलिए बहुव्रीहि समास है। दूसरा उदाहरण है दशानन, इसका विग्रह है दस है आनंद जिसके अर्थात रावण। यहां भी पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर के किसी तीसरे पद रावण की ओर इशारा करते हैं। और पीताम्बर शब्द समस्त पद है, पीताम्बर में भी पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर के किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं। पीताम्बर शब्द का विग्रह है पीत है अंबर जिसका अर्थात कृष्ण, पीत है अंबर जिसका अर्थात कृष्ण। तो यहां भी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान नहीं है, ये दोनों पद मिलकर के किसी अन्य पद की ओर तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं कृष्ण की ओर। इस तरह से यहां पर भी बहुव्रीहि समास है। विद्यार्थियों, हम सभी समास की परिभाषा और समास के छह भेद का हम अध्ययन किए। आशा है कि आप सभी को समास का यह पाठ अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि आपको किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी समस्या का समाधान भेजकर कर सकते हैं। धन्यवाद।